हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में, जिसका नाम है एयरपोर्ट रेनोवेटर। ठीक है, सीधी सीधी भाषा में बात करें तो भाई, आज की गेम प्ले वीडियो में मैं बनने वाला हूँ ठेकेदार। और ठेकेदार भी कोई छोटा मोटा नहीं, मतलब कि था पहले छोटा छोटे मोटे काम कर लेता था, लेकिन आज की गेम प्ले वीडियो में भाई मेरे को मिला है बहुत ही बड़ा काम। और जो काम मिला है ना, वो सीधा हमें एयरपोर्ट का मिला है। और एयरपोर्ट का जो भी भाई काम होता है ना, वो कभी छोटा नहीं होता, हमें काफी ज्यादा पैसा आने वाला है। ठीक है, हमें यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू गेम ऑप्शन, क्विट टू डेस्कटॉप एंड फुल सर्वे। तो हमें यहाँ पे न्यू गेम पे जाना है और हम देख लेते हैं कि हमें जो ठेका मिला है ना एयरपोर्ट का, वो हमारे कौन सी जगह पे है। तो यहाँ पे अभी के लिए ये सारे के सारे अवेलेबल सून है, मतलब थोड़े दिनों में ये खुल जाएंगे। वैसे जो ये गेम है ना, ये गेम का डेमो है, थोड़े दिन में हमारा फुल गेम भी लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये कहाँ पे पड़ता है, शायद नॉर्थ अमेरिका है ना ये, पक्का मेरे को पता नहीं है। तो शायद हमको है ना ये वाला एयरपोर्ट हमें नॉर्थ अमेरिका में मिला है। और हमारे पास अभी पूरे के पूरे $50,000 है, तो कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें है ना इनको $50,000 देने पड़ेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे है ना इस जगह पे कोई एयरपोर्ट मिलेगा और उसको भाई बिल्कुल ठीक करके शायद हमें वो बेचना पड़ेगा। और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कितना सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अभी अपने पास ₹50,000 है, तो यहाँ पे ₹50,000 इनको दे देते हैं और हमको भाई एयरपोर्ट दिखा दो बस फटाफट। तो इन्होंने मेरे को है ना एयरप्लेन में बिठा लिया है और अभी शायद मेरे को उस एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी जहाज के अंदर बैठ चुका हूँ और शायद मेरे को एयरपोर्ट भी दिख चुका है। ठीक है, और शायद मेरे को, ओ भाई नीचे कुदा दिया इन्होंने, बस पैराशूट खुल जाए। ओके ठीक है, खुल गया। तो मेरे को एयरपोर्ट तो दिख चुका है और हमारा एयरपोर्ट है ना ये कहीं शायद पहाड़ी एरिया में है। तो देखते हैं, एक मिनट, अभी तक मैं लैंड नहीं हुआ हूँ, थोड़ी देर में हो जाऊंगा, मतलब कि 2-4 सेकंड में। ओके, लैंड मैं हो चुका हूँ और मेरी लैंडिंग भाई बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। तो हमें है ना फाइंड द डोर टू हैंगर एंड यूज द एक्स टू डिस्ट्रॉय द पैडलॉक। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई गेट ढूंढना है और वहां पे हमें शायद कुल्हाड़ी वगैरह पड़ी मिलेगी, तो अपने को उस गेट का ताला तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ताला तोड़ने से पहले मैं यहाँ पे है ना आपको थोड़ी बहुत लोकेशन दिखाऊंगा। तो देखना भाई कितने तगड़े तगड़े पहाड़ है यहाँ पे। और जो मैंने एयरपोर्ट ठेके पे लिया है ना, मतलब कि ठीक करने के लिए, इसकी लोकेशन काफी अच्छी है भाई, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, हमें कोई दरवाजा ढूंढना है और दरवाजा ढूंढ के उसके ऊपर ताला लगा मिलेगा, तो वहां पे कोई कुल्हाड़ी वगैरह मिलेगी तो हम ताला वगैरह तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमारा एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। और अभी भाई आप एयरपोर्ट भी देख लोगे कितना ज्यादा गंदा है। यहाँ पे देखना भाई कितना ज्यादा घास फूस और पेड़ पौधे हैं। वैसे ये वाले पेड़ तो भाई बिल्कुल ही गलत उग रखे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे जहाज आएगा ना, तो जहाज की भाई काफी बड़ी बड़ी पंखे होती है, वो इनमें अटकती नहीं है क्या? शायद ये वाले पेड़ वगैरह भी मेरे को काटने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे सेफली लैंडिंग हो पाएगी किसी भी जहाज की। तो देखो भाई, अभी के लिए अपना एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा गंदा है। आप वीडियो के लास्ट में देखना भाई, पूरा एयरपोर्ट में बिल्कुल मस्त चमका दूंगा। देखना भाई घास फूस हर तरफ, कितना ज्यादा गंदा बुरा हाल हो रखा है। ठीक है, अभी अपने को वो वाला दरवाजा मिल गया है, तो ये दरवाजा खोलने के लिए हमें F दबाना है। ओके, नहीं नहीं खुलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है यूज द एक्स टू डिस्ट्रॉय द पैडलॉक। तो हमें यहाँ पे कोई कुल्हाड़ी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि कुल्हाड़ी से ही ताला तोड़ पाऊंगा, वरना ये सीढ़ी हमारे क्या काम आएगी। अच्छा, इसको लगा के भी मैं ऊपर शायद जा सकता हूँ, तो एक बार मैं इसको यहीं पे रखते हैं, बाद में देख लेंगे, हमें ऊपर जाना होगा। तो इसको कैसे, शायद या फिर मेरी इन्वेंटरी में भी तो हो सकती है ना कुल्हाड़ी वगैरह। एक दबाएंगे तो नहीं आ रही, राइट क्लिक, हाँ ठीक है, हम राइट क्लिक दबाएंगे तो हमारे हाथ में कुल्हाड़ी आ जाएगी। और यहाँ पे इस कुल्हाड़ी को है ना इस ताले के ऊपर दे के मारना है, और ताला भाई एक झटके में ही तोड़ दिया। कुल्हाड़ी को हम अंदर रख लेते हैं और गेट को खोल लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आया है, टर्न द पावर ऑन एट द फ्यूज बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्यूज बॉक्स है, वहां पे जाके हमें लाइट वगैरह ऑन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अंधेरा देखना भाई कितना ज्यादा हो रखा है, कहाँ से जाऊं कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे हमें F दबा के जाके नहीं, और हमारी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है। यहाँ पे देखना भाई कितना ज्यादा कबाड़ वगैरह है। ओके ठीक है, टर्न द रेडियो रिसीवर ऑन, हमें यहाँ से रेडियो ऑन करना है, ताकि हमें सारी की सारी जानकारी रेडियो पे मिलती रहे कि हमें भाई इस एयरपोर्ट पे क्या करना है क्या नहीं करना, और किस चीज को तोड़ना है और किस चीज को नहीं तोड़ना है। ठीक है, यहाँ से हमें रेडियो ऑन कर देना है। ओके, रेडियो का मैंने बटन दबा दिया। यूज द रेडियो हैंडसेट टू कॉल एमिलिया।
ठीक है, शायद हमारी फ्रेंड्स कोई अमेलिया है, वही हमें सारी जानकारी देगी कि कब क्या होने वाला है, तो हमें अमेलिया के पास कॉल करनी पड़ेगी। तो ये वाला मोबाइल उठा के मैं अमेलिया से बात करता हूँ फाइनली। ओके ठीक है, अमेलिया से मेरी बात हो गई है और उसने मेरे को टास्क दिया है। अभी अमेलिया भाई हमको बहुत ज्यादा तंग करने वाली है क्योंकि ये टास्क पे टास्क देने वाली है। तो इसने पहला टास्क क्या दिया है, हम राइट साइड में देखेंगे तो कट द ट्री नियर द एयर स्ट्रिप डाउन। ठीक है भाई, मैंने पहले ही बोला था कि ये वाले पेड़ होंगे ना तो यहाँ पे कोई भी जो अपनी एयरप्लेन है ना यहाँ पे लैंड नहीं कर सकती, क्योंकि ये पेड़ वगैरह भाई उसके जो पंख होते हैं ना उनमें अड़ जाएंगे। यहाँ पे चार पेड़ मेरे को काटने हैं और इनका रंग भी देखना गुलाबी सा हो रखा, क्योंकि ये मेरे को बता रही कि आपको यही वाले पेड़ काटने हैं, बेफालतू में वो वाले पेड़ मत काट देना हमें यहाँ से। शायद ये भी कुल्हाड़ी से ही कटेंगे ना? हाँ भाई, और किससे कटेंगे? और चार थे भाई, ये पांच पेड़ कैसे हो गए? ठीक है, और ओ भाई एक झटके में ही पेड़ काट दिया। ठीक है, और मैं धीरे धीरे मारूंगा ना तो यहाँ पे तीन चार गेड़ी में भी पेड़ कट सकता है। तो देखो धीरे धीरे मारूंगा ना, अपने हाथ में है भाई, हम तेज भी मार सकते चॉप चॉप। हैं। ओके चॉप चॉप, बंदे ने भाई पेड़ काटते ही बोला है चॉप चॉप। अब की बार इसको मैं एक ही कुल्हाड़ी में गिरा दूंगा, चॉप चॉप। चॉप चॉप। ठीक है, ये वाले पेड़ भी काटते हैं फटाफट। भाई थोड़ा जोर लगाना, क्या हो गया, थक गया क्या इतनी जल्दी? ओके, अभी हमारे पास एक और पेड़ बचा है तो इसको भी मैं काट देता हूँ। चलो भाई, सारे पेड़ मैंने काट दिए हैं शायद से, यू मेड और इट, एमेलिया ने बोला ब्रावो। कि आपने ये वाला नाउ टास्क इट्स भी टाइम फॉर द कंप्लीट कर फर्स्ट दिया है, ब्लड ड्रॉप। ब्रावो। ओके, जस्ट और ये बोल हाइड रही है समवेयर अभी सो है द रेन ना, डजंट हिट यू इन आपके द पास कोई एयर ड्रॉप आने वाला है? ओके, यूज द एक्स टू ओपन द एयर ड्रॉप। ठीक है, मैं कुलाड़ी के साथ है ना, एयर ड्रॉप को ओपन करना है एंड ग्रैब आइटम। भाई साहब कितना ज्यादा तेज शोर करके गई है भाई ये वाली एयरप्लेन, और इसने हमारा एयर ड्रॉप गिरा दिया है। ग्रैब आइटम फ्रॉम दी बॉक्स। ठीक है, मैं इसके अंदर से कोई आइटम मिलेगा वो उठा लेना है पहले, है ना, जो एयर ड्रॉप है इसको मैं कुल्हाड़ी के साथ तोड़ूंगा। ओके बस कर मेरी माँ, इतना भी मत समझा, मैं थोड़ा बहुत प्रो बंदा हूँ, चैनल पे सब्सक्राइब कम हुए तो क्या हो गया भाई। ठीक है, ओके, और यहाँ से भाई ये वाला डब्बा है ना तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ते टाइम भी भाई चौप चौप बोल रहा है बंदा। ठीक है, सारे के सारे को मैं तोड़ लूंगा। ये बक्सा गायब नहीं होगा क्या भाई? गायब होना चाहिए यार बक्सा, तभी तो मैं वो वाली चीज उठा पाऊंगा। देखो अभी तो मैं उठा ही नहीं पा रहा, तो ये बक्सा शायद मेरे को पूरा तोड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी गायब होने लग चुका है। और इसके अंदर से क्या है भाई, शायद ये शायद ब्लोवर है क्या, और थोड़ा सा बड़ा ब्लोवर है, मतलब कि बड़े काम करने वाला। ओके ठीक है ठीक है, ब्लो द सैंड ऑफ द एयर स्ट्रिप। जो भाई ये एयरपोर्ट का रनवे है ना, इसके ऊपर देखना कितनी ज्यादा धूल वगैरह हो रखी है, तो अपने को ये सारी की सारी धूल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ताकि जो एयरप्लेन आगे से यहाँ पे आए ना तो वो आराम से लैंड वगैरह कर सके, उसके टायर वगैरह में मिट्टी ना फंसे। तो यहाँ पे हमें अभी हमारे पास जो ब्लोवर आया था ना, डस्ट ब्लोवर, इसको यूज करके मैं यहाँ से सारी की सारी मिट्टी हटा देता हूँ। और कितना मस्त काम कर रहा है भाई ब्लोवर देखना, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लोवर है। ओके, तो मैं यहाँ से है ना सारी की सारी मिट्टी हटा देता हूँ फटाफट, और बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है भाई इसके साथ। ऐसे तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ से सीधी लाइन पकड़ता हूँ। अब ठीक है, अब थोड़ा स्पीड से काम हो रहा है, मजा भी आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ तक आना है शायद, इसके आगे नहीं, इसके आगे मिट्टी नहीं है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ब्लोवर चलाने का, तो हम वापिस से जाते हैं। और यहाँ पे देखना भाई कितनी ज्यादा मिट्टी है, पूरा का पूरा ढेर ही लगा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको लेफ्ट साइड में अपने पैसे दिख रहे होंगे, तो अभी तो यार अपना पैसा भी वसूल नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो एयरपोर्ट है ना उसकी वैल्यू $42,288 है, और हमने जो ये वाला एयरपोर्ट है ना पूरा का पूरा ₹50,000 में ठेके पे लिया है। तो अभी हमें एयरपोर्ट की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा करना, ताकि मैं भी प्रॉफिट निकाल पाऊं और जिसने मेरे को ठेका दिया है ना इस एयरपोर्ट का, वो भी भाई प्रॉफिट में जा सके। तो आप ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जो भी मैं काम करूंगा ना, तो आप देखो लेफ्ट साइड में जो हमारे एयरपोर्ट है ना उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो मैं जल्दी से है ना अब सारा का सारा काम निपटा देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डस्ट हो रखी है। चलो, मैंने यहाँ रनवे से सारी की सारी मिट्टी को हटा दिया है, और फिर से एयर ड्रॉप आने वाला है क्या? हाँ भाई, फिर से हमारे पास एक और नेक्स्ट एयर ड्रॉप आ चुका है, और देखते हैं भाई इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा। इसका पैराशूट खुल गया, पैराशूट बोल रहा हूँ, पैराशूट। ठीक है, Let's check what new toy is hiding in the next ओके, और भाई delivery मेरे को बॉक्स तो तोड़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो पैराशूट है ना box. वो Well, I guess we लेट need to नीचे take it आके down. खुला है ना इसलिए। हेलो भाई, यहाँ पे मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ, हेल्प
टू गो हेल्प द गोट टू गेट डाउन फ्रॉम द रूफ। ठीक है भाई, इसकी हेल्प कैसे करूँगा मैं, और इसको नीचे उतारना है, ये भी भाई टास्क है अपने पास। इसको नीचे कैसे उतारूंगा, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वैसे भाई मैंने सीढ़ी देखी थी, शायद मैं इस सीढ़ी को उठा के और वहां पे लगा के शायद मैं उतार पाऊंगा। तो एक बार है ना इसको उठा लेता हूँ, शायद ऐप से उठेगी ना। ठीक है, उठ गई, और इसको है ना एक बार मैं लगा के देखूंगा। तो इसको लगाऊंगा कैसे, घूम तो रही है। ओके, शायद भाई मैं इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ पाऊंगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं। चलो भाई, सीढ़ी मैंने यहाँ पे मस्त लगा दी। और ओके, फिर सीढ़ी क्यों लगवाई थी भाई इसने? देखना भाई, मैंने तो इसके लिए सीढ़ी लगाई और आरामजादी सीधा ही कूद गई ऊपर से। ठीक है, और ऊपर आने के बाद देखेंगे तो देखना भाई कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे एरिया। और वैसे यार बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा, देखना भाई हर तरफ आपको कबाड़ ही कबाड़ दिख रहा होगा, और घास फूस के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं क्या ऊपर से कूद जाऊं तो मरूंगा तो नहीं ना। ठीक है, मैं ऊपर से कूद गया हूँ, और अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसको क्या दिक्कत है गोट को, देखना भाई पागल है क्या ये? ठीक है चलो, अपने पास नेक्स्ट क्या चीज आई थी भाई, मैं तो भूल ही गया था। देखना भाई इस पे कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसको उठाऊंगा कैसे? शायद मेरे को कुल्हाड़ी वगैरह लेके इसकी जो ये वाला है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं तोड़ देता हूँ, उसी के बाद इसको उठा पाऊंगा। ठीक है, टूट जा। ओके, अब शायद मैं इसको उठा पाऊं। नहीं यार, मैं इसको उठा ही नहीं पा रहा, अब क्या करें भाई? गेम अपना है ना बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से ग्लिच हो गया, क्योंकि भाई ये वाली चीज उठती नहीं है। ऊपर से भाई उस जहाज वाले ने गलती की है, तभी इसका पैराशूट है ना लेट आके खुला है, और भाई यहाँ पे एक ग्लिच हो गया। अब मैं इसको शायद नहीं उठा पाऊंगा, तो मेरे को यार गेम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है भाई कई बार। ठीक है, मैं दोबारा से आ गया हूँ, और दोबारा से मैंने एयर ड्रॉप मंगवाया है, तो अब की बार भाई आराम से लैंड होना बस। ओके, ठीक है, फटाफट इसको तोड़ते हैं, अब की बार ठीक से लैंडिंग हुई है इसकी, तो तोड़ लेते हैं भाई फटाफट। चलो, मैंने सारा बक्सा तोड़ दिया, और अब की बार भाई आराम से उठ रहा है ये। पिछली बार पता नहीं क्या गलीच हो गया था, तो उठ ही नहीं रहा था। और ये चेक करते हैं भाई इसका नाम क्या है। ओ अच्छा, ठीक है, एमिलिया ने मेरे को बता दिया कि क्या करना है। तो ये वाली जो चीज है ना, इसका नाम होता है वीड वेकर, और ये सिंपली भाई ग्रास जो होता है ना उसको काटने में काम आती है। मूव द ग्रास इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल, ठीक है, और मूव द ग्रास अराउंड द एयर स्ट्रिप। ठीक है, इस वाली को है ना जो हवाई पट्टी होती है ना, इसको ये एयर स्ट्रिप बोलते हैं। तो इसके पास जितना भी घास है ना, वो सारा का सारा मेरे को यहाँ से मूव करना है। एंड मूव द ग्रास इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल, टर्मिनल कहाँ पे है भाई वो मेरे को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो एयर स्ट्रिप है ना, इसके आसपास जो घास है ना, इसको मैं, ओ भाई कितनी तगड़ी चल रही है भाई मशीन, देखना। ठीक है, और ये सारा का सारा मैं घास उड़ा देता हूँ, और कटने के बाद देखो कितना मस्त लग रहा है। एक बार इसको और काट के फिर देखना कितनी मस्त लगेगी, ये देखो कितनी मस्त लग रही है। ठीक है, तो सारा का सारा मैं घास यहाँ से उड़ा देता हूँ, और अपने पैसे भाई जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं। शायद मेरे को लगता है मैं एयरपोर्ट को है ना 2 लाख के करीब पहुंचा दूंगा आराम से। देखते हैं भाई फटाफट, थोड़ा मैं स्पीड से काम करता हूँ, और जो इसके नजदीक नजदीक जितना भी घास है ना, सारा का सारा मैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला घास है ना, ये भी मेरे को उड़ाना पड़ेगा, तो हाँ ये भी उड़ाना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, तो ये भी मैं उड़ा देता हूँ। अभी मैं सीधा एक लाइन में लेके चलूंगा, और फिर उस तरफ से एक लाइन में वहां से लेके आऊंगा। तो यहाँ पे चलते हैं, और अपना है ना परसेंटेज बढ़ रहा है शायद, या फिर मेरे को लग रहा है कि जो इसके बीच में घास उगा हुआ है ना, वो ज्यादा जरूरी है काटना। हाँ भाई, ये बीच वाला घास काटता हूँ ना, तभी हमारी परसेंटेज ज्यादा बढ़ रही है, तो ये ज्यादा जरूरी है भाई। पहले वो तो हम बाद में काटते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने को है ना सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे जो इसके बीच वाला घास है ना, वो सारा का सारा काट देता हूँ। देखो अपनी टोटल 82% हो गया, और अभी भी 18% घास कहाँ पे बचा है भाई। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ है थोड़ा बहुत, यहाँ से भी मैं काट देता हूँ, और यहाँ पे भी बीच में रह गया भाई बहुत सारा बचा है अभी, तो ये भी काट देते हैं, और यहाँ पे भी काट देते हैं। अभी हमारा टास्क पूरा 93% हो गया है, 94 हो गया, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, 99 हो गया, बस 1% घास बचा है, ये नहीं पता कि कहाँ पे है, और दिख भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है थोड़ा बहुत, और ये रहा बिल्कुल एयर स्ट्रिप के बीच में है। चलो अपना ये वाला टास्क तो हो गया भाई, लेकिन टर्मिनल कहाँ पे है? टर्मिनल के फ्रंट वाला घास भी काटना पड़ेगा। Wait a minute, भाई ये दोबारा से ऊपर कैसे चढ़ गई? अरे यार, मैंने गेम ही दोबारा से स्टार्ट किया है ना, इसीलिए भाई ये ऊपर चढ़ गई।
ओके ओके भाई, दिमाग ही घूम गया था मेरा कि भाई ऊपर कैसे चढ़ गई दोबारा से। चलो भाई ये वाला है शायद, हाँ यही वाला टर्मिनल है, और इसके सामने जितना भी घास है ना भाई, ये भी मैं फटाफट काट देता हूँ, और फिर भाई इस बकरी को भी उतारूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से सारा का सारा घास भाई उड़ाना पड़ेगा। चलो हमने यहाँ से भाई सारा का सारा घास उड़ा दिया और अपना टास्क कंप्लीट हो गया। अब क्या भाई, एक और एयर ड्रॉप आ रहा है, हमको क्या क्या चीज दोगे भाई, क्या क्या करवाओगे हमसे? तो यहाँ पे जब तक हमारा एयर ड्रॉप आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत और घास मैं काट लेता हूँ, क्योंकि मैं घास काटता हूँ ना भाई साहब, इतना ज्यादा कुड़का करती है ना ये, क्योंकि मैं घास काटता हूँ ना, तो भाई हमारे पैसे देखो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से मैं जितना भी घास है ना, सारा का सारा मैं उड़ा देता हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कमा पाऊँ। तो ये वाला घास है ना, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने पूरा का पूरा घास हटा दिया। आप देखो भाई कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे ये वाला एरिया, वरना ये वाला एरिया भी है ना इसी की तरह गंदा लग रहा था। ये देखना भाई कितना ज्यादा घास है यहाँ पे, तो मैंने सारा का सारा एरिया ऐसा कर दिया है। ओके, हमारे पास एक और एयर ड्रॉप आ चुका है, तो इसको भी भाई तोड़ के इसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है। ओके, और ये क्या चीज है भाई, शायद अपनी जाने की तैयारी कर दी क्या, क्योंकि ये मेरे को है ना कोई जो पैरासूट वाला बैग होता है ना वो लग रहा है। तो एक बार है ना ये सारा का सारा बक्सा तोड़ के देख लेते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं। तो यहाँ से सारा का सारा बक्सा अभी गायब हो जाएगा 1 सेकंड में, और इसको मैं उठा लेता हूँ। देखते हैं भाई ये क्या चीज है और इसका नाम क्या है। हेल्प दी गोट। प्रेशर वॉशर, ओ वाओ, भाई कितनी ज्यादा एक्सेलेंट, लिस्ट आ गई हमारे दिस पास काम टेरेस की, इज हमें काफी रेमिनिसेंट सारे ऑफ काम प्रीवियस करने एरा, पड़ेंगे। यू बेटर और वॉश वेल। एमिलिया बता रही है कि आप है ना जो अभी आपके पास वसरा है ना, उसके साथ भी आप गोट को उतार सकते हो। तो एक बार आग कैसे लगी भाई, 1 मिनट शोर भी आ रहा है मेरे को। ओ भाई आग नहीं, ये मेरे को बता रहे हैं कि भाई आपको यहाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें तोड़नी है। ठीक है ठीक है, मैंने सोचा भाई आग कैसे लगी एयरपोर्ट पे, मैंने तो सोचा था फायदे का सौदा, और यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा घाटा होने वाला है। तो भाई बहुत ही दिल धक धक करने लग गया था। ठीक है, और एमिलिया ने बोला था कि आप है ना पावर वॉशर के साथ, कहाँ पे है भाई वो, ये रहा प्रेशर वॉशर है, मैं इसको पावर वॉशर बोल रहा हूँ, इसके साथ ना आप गोट को भी उतार सकते हैं। तो पिछली बार तो मैंने सीढ़ी लगा के उतारी थी। ओके, नहाने से भी उतर जाती है भाई, इसको कहीं जोम्बी वगैरह ने तो नहीं काट रखा है ना, क्योंकि इसकी हरकतें यार पागलों वाली हैं। ठीक है, अभी अपने पास 3 ऑप्शन आ रखे हैं, वास पेटियो फ्लोर, तो हमें जो ये वाला घर है ना, और यहाँ से क्या हम लाइट वगैरह भी ऑन कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास लाइट नहीं है शायद, वो बाद में देख लेंगे। तो हमें है ना यहाँ पे एक तो ये फ्लोर साफ करना है इस घर का, और एक हमें इसके जो घर है ना ये साइड वाली दीवारें साफ करनी है, और यूज दी एक्स टू डिस्ट्रॉय ट्रेस। ठीक है, हमें यहाँ पे जितना भी ट्रेस पड़ा है ना उसको सारा का सारा को गायब करना पड़ेगा कुलाड़ी के साथ। तो एक बार अंदर जाके देखेंगे, तो अंदर भी देखना भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कबाड़ वगैरह पड़ा है, और मैं सफाई वगैरह बाद में करूंगा, सबसे पहले जितना भी ट्रेस है ना उसको मैं कुलाड़ी के साथ हटा देता हूँ, क्योंकि वरना भाई ये ट्रेस पड़ा रहेगा ना तो सफाई करने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। फिर ये वाला पुराना टीवी था, इसको भी तोड़ दिया, और यहाँ पे कुछ पुराना डब्बे वगैरह भी रख रखे हैं। और ये क्या चीज है भाई, पता नहीं भाई ये क्या चीज है, मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक वाली जो इसमें सोडा वगैरह मिलता है ना वो लग रही है, लेकिन इसके ऊपर हाँ सोडा कह नहीं है भाई ये। ठीक है, इसको भी मैं डिमोलिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी सामान है ना उसको मैं पहले डिमोलिश करता हूँ, और भाई ये मेरे पास आगे रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, इसको नहीं मार सकते क्या? ठीक है, ये वाला कबाड़ भी हटा देते हैं। बोतलें वगैरह बहुत ही ज्यादा गंदगी है भाई, जिधर देखो उधर ही गंदगी मिलेगी। ओके, और अंदर चलेंगे, तो अंदर चल के अभी जो शायद किचन है क्या, किचन के अंदर चल के किचन वाला भी जितना भी सामान है ना उसको भी मैं डिमोलिश कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे किचन है भाई, और यहाँ पे दारू कौन पीता है भाई, दारू की बोतलें रख रखी हैं, यहाँ पे एक बाल्टी है। ठीक है, यहाँ पे एक भाई ये तो नई अलमारी थी भाई, ये क्यों तुड़वा दी तुम लोगों ने? ठीक है, यहाँ से मैंने सारा का सारा सामान है ना वो डिमोलिश कर दिया है, और अभी अपने को है ना पावर वॉशर प्रेशर वॉशर निकालना है। कहाँ पे है ये वाला भाई प्रेशर वॉशर है, और यहाँ से मैं सारा का सारा देखना भाई कितना मस्त काम कर रहा है ये। सबसे पहले जो इस घर की ये दीवारें है ना इनको साफ करूंगा मैं, और देखना भाई कितनी ज्यादा साफ हो रही है ये। ठीक है, अभी मैंने साइड वाली दीवार पे काम करना शुरू कर दिया है, और काफी तगड़ा एयर प्रेशर है भाई, ये तो अपने पास भी एक घर पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सारा का सारा मैं इसके ऊपर जो धूल जमी हुई ना वो सारी की सारी मैं उतार देता हूँ। चलो, हमने घर की तीनों साइड कर दी, बस फ्रंट फ्रंट बचा है, तो मैं यहाँ से फ्रंट भी कर देता हूँ। चलो, फ्रंट से भी मैंने सारी की सारी धूल हटा दी है, अभी अपने पास क्या टास्क बचा है, वास दी पेटियो फ्लेयर फ्लोर। अच्छा, हमें ये वाला फ्लोर है ना इसको भी साफ करना पड़ेगा, और हमारी देखना गोट फिर से अटक गई यहाँ पे।
तो ये वाला अब ये कर देता हूँ साफ। और एक मिनट भाई, शायद इस गेम में रात हो रही है, क्योंकि यार देखना हर तरफ थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया। ऐसे लग रहा है कि शाम के 4 या 5 बज गए सर्दियों वाले। भाई इस वाले कबाड़ को भी हटा सकता हूँ क्या मैं? एक मिनट रुको, अगर इस वाले कबाड़ को भी मैं हटा पाए ना तो मस्ती कर देंगे भाई एयरपोर्ट को। ओके ठीक है, शायद हम इस वाले कबाड़ को भी हटा सकते हैं, और इसको हटाएंगे ना तो भी हमें पैसे हमारे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज बाद में करेंगे, पहले तो भाई टास्क ही कर लेते हैं। तो टास्क में हमें पेटियो फ्लोर साफ करना था, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर वॉशर है, ये वाली मैं सारी की सारी गंदगी यहाँ से हटा देता हूँ। चलो अपना ये वाला टास्क भी हो गया है, और मैंने यहाँ से है ना सारी की सारी धूल हटा दी है। ओके ठीक है, शायद हमारे पास लास्ट एयर ड्रॉप आ रहा है। एमिलिया ने यही बोला है भाई, मेरे को तो यही सुना है। तो एमिलिया ने मेरे को बोला है आपके पास जो एयर ड्रॉप आ रहा है ना वो लास्ट एयर ड्रॉप है, उसके बाद आज कोई भी हमारी जो जहाज है ना वो उड़ाने नहीं भरेंगे, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। और शायद मौसम खराब भी हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत बूंद वगैरह दिखाई दे रही है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत धूल वगैरह भी आ गई है, शायद तूफान आने वाला है क्या। और जो अपना लास्ट वाला एयर ड्रॉप है ना भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कुल्हाड़ी निकाल के इसको भी तोड़ के इसके अंदर देखते हैं। ओ भाई सच्ची में डरा दिया भाई इसने, मैंने सोचा कि ये क्या हिल रहा है भाई डब्बे में। ठीक है इसको भी फटाफट तोड़ देते हैं, और कुछ ज्यादा ही बड़े बक्से में आया भाई इसके। मेरे को लगता है इसके अंदर चीज कोई छोटी मिलेगी। ठीक है यहाँ पे देखना भाई, उस साइड कितना ज्यादा मौसम खराब हो गया, तो यहाँ पे इसको मैं कलेक्ट करूंगा। इसके अंदर हमको लाइट्स, प्लेस एड्स लाइट्स ऑन द एयर स्ट्रिप। ठीक है, बहुत ही तगड़ा तूफान आने वाला है, और इसने बोला है कि तूफान आने से पहले है ना आपको जो भी लाइट मिली है ना उनको यहाँ पे लगा दो, जो अपनी हवाई पट्टी है ना उसके ऊपर। तो मैं यहाँ से लाइट लगा ले। भाई ये कैसी लाइट है, एक मिनट। ठीक है, और ये पंपकिन क्यों बना हुआ भाई लाइट में? मैं सिलेक्ट आइटम और चेंज कलर। ठीक है ये तो गलत बात है भाई, अपने को ये पंपकिन ही लगाने पड़ेंगे क्या यहाँ पे? मैं इनके डिजाइन वगैरह थोड़ा चेंज करना चाहता था, और यहाँ पे हम लाइट वगैरह भी इनकी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सफेद लाइट लगा दी, यहाँ पे भी सफेद लगा देते हैं अब है ना, थोड़ी हरे वाले लगा देते हैं, काफी मस्त लगेंगी। तो यहाँ पे ओ भाई, और अपनी बकरी को क्या हो गया भाई? इसके पैर देखना आप, लाल लाल से चपकने लगे, और इसकी आंख भी भाई बहुत ही ज्यादा गंदे वाली चस रही है देखना। ठीक है यहाँ पे भी हम लगा देते हैं भाई, क्योंकि तूफान आने वाला है, बेफालतू में ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ओ भाई यहाँ पे हम थोड़ी ले ले लाइटें भी लगा देते हैं। ओके ओके शायद हमें है ना पूरी टोटल 30 लाइट लगानी है, और मैंने कौन सा कलर करूँ अब, ये वाला ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी लगा देते हैं। ओके और मैंने है ना 14 लाइटें लगा दी, अभी 15 हो गई, तो 15 और बाकी हैं, तो 15 और लगा लेते हैं यहाँ पे। अभी 6 लगानी और बाकी हैं, 5 रह गई, 4 रह गई। ये क्या था भाई, पता नहीं किस चीज का शोर आया, लेकिन आया बहुत जोर से है, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे। ओके चेक दी फ्यूज बॉक्स, अच्छा फ्यूज बॉक्स उड़ गया क्या भाई, बहुत ही ज्यादा डर लग गया था। एक तो भाई जो अपनी गोट है ना ये मेरे को सबसे ज्यादा डरा रही है। प्रेस कंट्रोल टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, ठीक है हमें कंट्रोल दबाना पड़ेगा, शायद हमारे पास फ्लैश लाइट है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला तूफान आ गया, मेरे को है ना जल्दी से घर के अंदर जाना पड़ेगा, पता चले कि मेरे ऊपर ही बिजली गिर गई, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा इंसान नहीं हूं ना इसलिए। ठीक है मैं अंदर आ गया हूँ, और अपने को फ्यूज बॉक्स वगैरह चेक करना है, क्योंकि अपना फ्यूज बॉक्स उड़ गया बिजली के कारण। ठीक है मैंने फ्यूज बॉक्स ठीक कर दिया, और बाहर चल के देखेंगे तो मौसम शायद अभी भी खराब है। ओके मौसम भाई अभी भी खराब है, तो हम क्या करते हैं कि देखो हमने जितने भी अमेलिया ने टास्क वगैरह हमको बताए थे ना वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर लिए, और अमेलिया ने भी बोला कि मेरे को अब आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जो मौसम खराब है ना उसके कारण यहाँ पे कुछ तारे वगैरह टूट गई, जिसके कारण अमेलिया अब मेरे से बात नहीं करेगी। तो वैसे तो अमेलिया ने जो भी मेरे को बोला था ना वो सारे के सारे मैंने टास्क कर दिए, लेकिन अभी क्या है कि हमें है ना टास्क वो बिल्कुल पूरे करने हैं, मतलब जो उसने बोला था ना वो तो हमने कर लिया, लेकिन अपने को पैसे वगैरह ज्यादा कमाने के लिए और इस एयरपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना अपने हिसाब से भी कुछ काम वगैरह करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी की सारी मैं तोड़ देता हूँ, जो कि कोई भी काम की नहीं है। आपको राइट साइड में पूरी लिस्ट दिख रही होगी ना, तो ये सारी की सारी लिस्ट को मैं पूरा सो सो कर देता हूँ, उसके बाद हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा आने वाला है। तो सबसे पहले तो जितना भी यहाँ पे ट्रेस वाला सिस्टम है ना आइटम, मतलब कि सारा का सारा मैं उड़ा देता हूँ,
जो कि मतलब कोई काम का नहीं है, बिल्कुल कचरा है। ये वाली टंकियां भी भाई अब कोई काम नहीं आती, इनको भी मैं डिमोलिश कर देता हूँ। अभी रात है ना, दिन होते ही मैं एमिलिया के पास कॉल कर दूंगा और उसको बुला लूंगा भाई यहाँ पे, और उसको दिखा देंगे कि हमने कितना अच्छा वर्क किया। उसके बाद वो बोल रही थी कि मेरे को है ना और भी हमें एयरपोर्ट के काम वगैरह दिला सकती है, तो यहाँ से ये वाले डब्बे वगैरह भी मैं उड़ा देता हूँ भाई। शायद मैंने यहाँ से काफी सारा कबाड़ उठा दिया, तो यहाँ पे ये बाल्टी रखी है ये भी उड़ा देते हैं। और अभी भी मैं वैसे अमेलिया को बुला सकता हूँ, लेकिन भाई अभी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि भाई मेरी परछाई थी क्या यार, देखना यहाँ पे है तो ठीक है, यहाँ पे जाती देखना मेरी परछाई ऐसे आगे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ से हम रेडियो को ऑन करके बुला सकते हैं मिली को, लेकिन भाई हमें है ना काम पूरा करना है ताकि वो दोबारा हमें नया काम दिला सके। ठीक है, और तो कचरा मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसको भी मैं डिमोलिश कर देता हूँ। चलो यहाँ से तो हमने सारा आइटम डिमोलिश कर दिया, अभी बाहर चल के और देख लेते हैं, बस लाइट ना गिर जाए भाई सिर के ऊपर। यहाँ पे जो बाहर ये वाले आइटम पड़े हैं ना, इनको भी मैं डिमोलिश कर देता हूँ फटाफट। बहुत ही ज्यादा कबाड़ है भाई यहाँ पे, पता नहीं कितने सालों से जहाजे नहीं उड़ी, तो ये वाली चीजें भी गायब कर देते हैं। हर जगह आपको कबाड़ ही कबाड़ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना भाई पीछे की साइड कितना ज्यादा कबाड़ है, तो सारा ही नहीं, एक भी नहीं छोड़ूंगा भाई। यहाँ पे कैन वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे एक एक करके भी डिमोलिश करना पड़ेगा क्या, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और भाई छोटी छोटी चीजों, भाई ये गोट मेरा है ना, कर्जा निकाल के छोड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आइटम पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं डिमोलिश कर देता हूँ। चलो वो एक बार है ना, मैं सारा का सारा डिमोलिश कर देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। इतना ज्यादा घास था ना यहाँ पे, क्या बताऊँ, मेरे को है ना अगली सुबह हो गई भाई काटते काटते। और अब देखो, अगर आप देखोगे ना तो भाई कितना मस्त हमारा एयरपोर्ट लग रहा है, देखना भाई हर चीज आपको मस्त दिख रही होगी। और इस घर के अंदर भी मेरे को लगे हुए ना पूरे 2 घंटे हो गए, इस घर की भी मैंने सारी की सारी सफाई कर दी है, बस यहाँ पे थोड़ी बहुत सीढ़ियां वगैरह बची हुई है। चलो भाई अब जाके दिखाता हूँ, देखना भाई कितना ज्यादा गंदा था घर था, और अब देखो आप कितना मस्त लग रहा होगा आपको। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ यहाँ से ये भी मैं हटा देता हूँ, अब देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, कहीं पे भी आपको कचरा पट्टी कहीं पे भी नहीं दिखेगी। तो मैंने है ना देखो मूव द रिमेनिंग ग्रास पूरा मैंने शो कर दिया, क्लीन सरफेस भी मैंने पूरी कर दी, डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग ट्री। शायद हम पेड़ वगैरह भी काटने पड़ेंगे शायद, तो यहाँ से जितने भी यहाँ पे पेड़ है ना वो सारे के सारे भी मैं काट देता हूँ फटाफट। कट दी ट्री वाले बचे हुए हैं अभी भाई, काफी ज्यादा पेड़ मेरे को यहाँ से काटने पड़ेंगे। और भाई मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा पेड़ है, तो पेड़ भाई मैं नहीं काटने वाला, क्योंकि ये वाले जो पेड़ है ना वो अपनी जो यहाँ पे जहाज आएगी ना उसको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाले। वैसे भाई मैं पैसे कमा सकता हूँ पेड़ को काट के, और मैं एयरपोर्ट को शायद 3 लाख के ऊपर भी ले जा सकता हूँ, मतलब कि एयरपोर्ट की वैल्यू। लेकिन भाई पैसे के लिए पेड़ हम नहीं काटेंगे, ये आप इस वीडियो में आप एक संदेश में मान लेना, ठीक है। तो भाई पेड़ हम नहीं काटने वाले, क्लीन डस्ट हमारी कितनी होगी, 95% तो अपने को शो करनी है क्लीन डस्ट। शायद यहाँ पे ही थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, तो यहाँ पे हटा के देखते हैं। अपनी यार क्लीन डस्ट पूरी 99% होगी, लेकिन 1% और हो जाए तो भाई मजा आ जाए। 1% और मिट्टी भाई मैंने कहीं पे छोड़ी ही नहीं, कहाँ से दिखेगी। तो क्या करे भाई, ये तो शो नहीं होने वाला। अभी है ना डिस्ट्रॉय रिमेनिंग हमारा 91% बचा हुआ है, ट्रेस अभी भी बचा हुआ नहीं है, मतलब 91% तो मैंने यहाँ से डिमोलिश कर दिया, 9% अपना ट्रेस यहाँ पे बचा हुआ है। तो फटाफट ये वाला ट्रेस है ना, इसको भी मैं जल्दी से यहाँ से डिमोलिश करके फटाफट मैं एमली के पास फोन करता हूँ और उसको बुला लेता हूँ, और उसको भाई दिखा देता हूँ कि मैंने एयरपोर्ट को कितना मस्त कर दिया है, ताकि वो और भी ज्यादा काम अपने लिए ला सके। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कबाड़ वगैरह है, ये भी मैं गायब कर देता हूँ। और भी है क्या यहाँ पे, ट्रेस कहाँ पे है भाई, जल्दी से मिल जाओ, 7% और बचा हुआ है अपने को। यार अपना एयरपोर्ट की वैल्यू पूरी 2 लाख करनी है, तो यहाँ पे भी हमें टैस नहीं भाई ट्रेस दिख चुका है, ये वाला भी गायब करेंगे। वो भाई 2 लाख हो जाए यार प्लीज। यहाँ पे और है क्या ट्रेस, भाई मैंने कहीं भी कोई चीज नहीं छोड़ी। ठीक है, और ट्रेस ढूंढेंगे, यहाँ पे मिल गया, इसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 800, ये लगा लो आप 100 कितना हो गया पता नहीं, $184 की कमी है भाई। उसके बाद हमारा जो एयरपोर्ट है ना उसकी वैल्यू पूरी 2 लाख हो जाएगी, $2 लाख भाई। तो यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज पड़ी हुई है, ये भी मैं गायब कर देता हूँ। और भाई एयर स्ट्रिप के ऊपर ये वाली चीजें पड़ी है, मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर रखी है, एमली आके देखती तो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती।
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैश और मिल जाए तो अपने एयरपोर्ट की कीमत भाई 2 लाख डॉलर हो सकती है, लेकिन मेरे को तो कहीं पे भी ट्रैश नहीं दिख रहा। और अभी भी हमारा भाई 5% ट्रैश बचा हुआ है, लेकिन है कहाँ पे पता नहीं। यहाँ पे है, ठीक है। ओ भाई 2 लाख करने हैं यार मेरे को। ठीक है, थोड़ा इस साइड जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्बा पड़ा हुआ है। ओके, 2 लाख करते ही भाई मैं एमली को बुला लूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा देर हो गई खेलते खेलते। एक तो भाई इस घास काटने ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो इस साइड जाके देखेंगे या फिर इसके अंदर जाके देख लें, क्या पता हमें थोड़ा बहुत ट्रैश मिल जाए। ओ भाई अच्छा खासा मिल गया, थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है, और हमारा ओके, और हमारे एयरपोर्ट की कीमत देखो भाई पूरी 2 लाख हो चुकी है। तो अब ज्यादा देरी भाई रात ना हो जाए, मेरे को एक दिन और रुकना ना पड़ जाए, तो मैं फटाफट है ना एमिली को यहाँ पे बुला लेता हूँ। फटाफट रेडिया ऑन करना, रेडिया कहीं मैंने तोड़ तो नहीं दिया ना। ठीक है, रेडियो को भाई बस ऑन करना है। ओके, और अब I know मेरा एमिली everyone से needs संपर्क हो privacy चुका from है। time to time, but I must admit I ठीक was a bit है, worried. I'm about to land. See you soon. Good ओके job. आ रही है भाई एमिली हमारे पास। Okay, I'm done. ओके आप देखना भाई हमारी सारी की सारी चीजें, मतलब हमने एयरपोर्ट कितना मस्त बना दिया, सारा का सारा दिखेगा। और जिस चीज से हमें जितने पैसे मिले हैं ना, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगी। तो आपको भाई वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। और अब आप मस्त म्यूजिक के मजे लो और हमारा एयरपोर्ट देखो। ओके, और सारी चीजें हमने सो सो कर दी लगभग। और फाइनली भाई हमारे एयरपोर्ट पे कोई एयरप्लेन उतर रही है। मैं बहुत ही काबिल इंसान समझ रहा हूँ भाई अपने आप को कि मैंने ये काम कर दिखाया। और हमारे एयरपोर्ट की कीमत पूरी 2,54,863 डॉलर हो चुकी है। बाय बाय। ओके बाय।